कहना बहुत कुछ है, मेरे पास शब्द बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ये वो तो बिल्कुल होगा, मैं अभी फ़िलहाल निःशब्द हूँ, मुझसे कोई ऐसी बात हो नहीं रही है। बट यहाँ पर आकर मुझे एक्चुअल में ये पता चला कि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल तरीके से जी जा सकती है। मारू घर, मतलब इन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है मेरे हिसाब से। बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत फेम मिलता है लोगों को, जैसे कि सोनू सूद हैं, लोग जाते हैं उनके घर पे। बट ये रियल काम हो रहा है यहाँ पर, ये रियल ज़िंदगी को सेव किया जा रहा है यहाँ पर। तो मारू घर, दिलीप भाई, सिस्टर अपनी, मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। और मेरी ये दिली इच्छा रहेगी कि मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों साथ में यहाँ पर आकर जुड़ें इनसे। और ये मूवमेंट जो मुझे मिला है यहाँ पर, शायद मुझे मतलब किसी पार्टी में या लाखों करोड़ों देकर भी शायद नहीं मिलते। क्या मन में था आपके, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मुंबई में बारिश लगातार हो रही है और मुंबई डूबी हुई है, ऐसे परिस्थिति में भी आपने प्लान किया यहाँ पर आने का, तो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड था कि मिलना चाहिए? देखिए, बारिश में सब जगह माहौल अच्छा है, कुछ लोग परेशान हो रहे, कुछ खुश हो रहे, कुछ भीग रहे। मुझे देखना था कि दिलीप भाई के जो फैमिली वाले हैं, मारू घर के जो फैमिली वाले, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस बारिश में। तो मैं ये देखने के लिए आई थी कि बारिश इन लोगों के लिए ठीक तो है ना या ठीक नहीं है ना। तो मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी आने के लिए, बट आज मैं बस कोशिश करके आ पाई हूँ। सबसे मुलाकात हुई आपकी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे, मुलाकात के बारे में तो आप, एक्सपीरियंस के बारे में तो बात ही मत कीजिए। अभी हमने इतनी प्यारी कविता सुनी है, वहाँ पर इतनी अच्छी पेंटिंग्स देखी है, मैंने इतना अच्छा गाना सुना है यहाँ पर, तो इट इज़ वेरी वाइब्रेंट। बहुत ब्यूटीफुल रहा मेरे लिए ये टाइम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर रुक करके और बहुत सारा जानूँ समझूँ। बट अभी आफ्टरनून का टाइम है, उनके सोने का टाइम है, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए। मुझे यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था यहाँ पर इतना एंटरटेनमेंट है एक्चुअली, और सच में यहाँ पर बहुत एंटरटेनमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। आपको लगता है जो लोग डिप्रेस होते हैं उनको यहाँ एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ कैसे जी जाती है? मुझे ये सवाल पूछकर आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये लोग जो यंग लोग जो है ना, अभी आपने सुना होगा कि इसने सुसाइड कर दिया प्यार के चक्कर में, उसने सुसाइड कर दिया प्यार के चक्कर में, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर आकर देखो, पता चल जाएगा कि ज़िंदगी से लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मारू घर आके देखो, मरने वालों और मरनों का ख्याल करने वालों और डिप्रेशन में जाने वालों, ज़रा आके दिलीप भाई से पूछो यहाँ पर आकर कि ये कैसी लड़ाई जीती जा सकती है। और इस हाल में भी यहाँ पर गाना गाया जा सकता है, कविता की जा सकती है, पेंटिंग की जा सकती है और खुश रहा जा सकता है। दिलीप भाई क्या कहना चाहेंगे, निकिता जी यहाँ पर विजिट की आपने? थैंक यू वेरी मच निकिता बेन, हमेशा आते रहे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बेडरिडन पेशेंट को ही संभालते हैं, पार्किंसन, पैरालिसिस, डिमेंशिया। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 125 सीनियर सिटीजन्स है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार उनको जरूर मिलने के आइए, जिस तरह निकिता बेन आई हुई उनकी मम्मी के साथ लेके। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मारू घर के अलावा और क्या कुछ हम लोग मेंटली बच्चों का स्कूल चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, वीडियो रेडी एम्पायर प्रोजेक्ट चलाते हैं ट्रस्ट के भी आप में। तो मैं, हमारे सब ट्रस्टी, हमारे यहाँ के जो पूरा स्टाफ, हर मेंबर की ओर से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल थैंक्स आपकी टीम और निकिता बेन का। मुझे यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो लाइफ है, ये हम सोच भी नहीं सकते कि ये लाइफ हम कैसे निकालते हैं। ये सब मैं ज्यादा कुछ। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।